बागपत पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी को जायज बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व है। विधानसभा चुनावों पर राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का राजस्थान में कांग्रेस के साथ समझौता हो चुका है। जयंत चौधरी एशियन गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान करने खेड़ा कस्बा पहुंचे थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन में फूट के सवालों पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दुष्यंत चौटाला राजस्थान में अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। जयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए के घटक दल दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तालमेल न होने पर आज अकेले मैदान में है। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों का पक्ष रखते हुए देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में स्टेडियम निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि कोच की नियुक्ति होने से खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, स्टेडियम में प्रशिक्षण से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी, युवा खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे, स्टेडियम का निर्माण होने से युवा पीढ़ियों का रुझान खेलों की ओर भी बढ़ेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख ने भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, ओलंपिक खेलों के लिए भी ऐसा हो सकता है। बागपत पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी को जायज बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व है। विधानसभा चुनावों पर राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का राजस्थान में कांग्रेस के साथ समझौता हो चुका है। जयंत चौधरी एशियन गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान करने खेड़ा कस्बा पहुंचे थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन में फूट के सवालों पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दुष्यंत चौटाला राजस्थान में अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है। जयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए के घटक दल दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तालमेल न होने पर आज अकेले मैदान में है। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों का पक्ष रखते हुए देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में स्टेडियम निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि कोच की नियुक्ति होने से खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, स्टेडियम में प्रशिक्षण से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी, युवा खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे, स्टेडियम का निर्माण होने से युवा पीढ़ियों का रुझान खेलों की ओर भी बढ़ेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख ने भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, ओलंपिक खेलों के लिए भी ऐसा हो सकता है।